नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज इस क्लास में बात करते हैं भारतीय मानसून के प्रभाव के बारे में। इसका एक सामान्य परिचय देख लेंगे हम लोग, कृषि और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है मानसून का, उसके बारे में भी बात करेंगे और मानसून और स्वास्थ्य में किस तरह से संबंध है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन वैसे भी इस तरह के जो भी आपके टॉपिक हुआ करें, ये पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को लेकर या किसी भी समूह को लेकर नहीं बनाए जाते हैं कि आप समझें कि ये टॉपिक किसी पढ़ने वाले छात्र के लिए जरूरी है। नहीं, भारतीय मानसून के बारे में आपको जानना चाहिए कि आप वर्षा आखिर हो रही है तो किस मानसून से हो रही है, इसका क्या कृषि और फसल पर यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी 80 से कई राज्य ऐसे भी अभी भी कि 80 से 85% जनसंख्या उनकी कृषि पर ही निर्भर करती है, यानी कि कृषि वैसे भी हमारा 50 से 55-60% कृषि पर ही हम लोग निर्भर रहते हैं। इस बार आपने देखा है कोरोना की महामारी के काल में सबसे ज्यादा मदद की है हमारी किसानों ने ही। अगर खाद्यान्न उपलब्ध ना होता तो हम बहुत बहुत बुरी तरह से मारे जाते इसमें। आप उनके बारे में सोच सकते हैं कि जिनकी जिनके यहाँ खेती करने के लिए कृषि मतलब जगह ना हो, जहाँ खाद्यान्न उत्पादन ना होता हो। अभी आप देख रहे हैं कि आयात निर्यात पूरी तरह से ठप पड़ा हो, तो वहां तो लेने के देने पड़ गए होंगे। तो गनीमत कहिए कि मतलब भगवान जो भी आप कहना है, लेकिन बहुत हमारे लिए सुविधाजनक रहे किसान। इसीलिए तो कहते हैं किसान और जवान दो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में स्थान रखते हैं। इसका एक परिचय देखते हैं। भारतीय मानसून दुनिया के मानसून प्रणाली में सबसे प्रमुख है, जो मुख्य रूप से भारत और इसके आसपास के जल निकायों को प्रभावित करता है। यह शीतकाल में उत्तर पूर्व से उत्पन्न होता है, जबकि गर्मी के काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है। यह प्रक्रिया जून जुलाई के दौरान इस क्षेत्र में भारी वर्षा का कारण बनती है। आप सभी जानते हैं कि जो गर्मी के समय आपका मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून है, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ वर्षा इसी के समय होती है। और याद रखिए केरल में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आ जाता है और सबसे बाद में ये जम्मू कश्मीर पहुंचता है, और सबसे पहले जम्मू कश्मीर से हट जाता है और सबसे बाद तक केरल में ही रहता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा देखने को मिलती है। वैसे अगर समग्र रूप से वर्षा की बात करें हम लोग, तो मेघालय में एक जगह है आपकी मासिनराम, वहां सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वही होती है आपकी। ठीक है, हिंद महासागर तथा तिब्बत के पठार के मध्य वायु संचरण मानसून की उत्पत्ति का कारण बनता है। भारतीय मानसून की दो मुख्य शाखा है, प्रथम बंगाल की खाड़ी से चेरापूंजी तरफ निकलती है तथा दूसरी अरब सागर से उत्पन्न होकर पश्चिमी घाट और अरावली से भारतीय मुख्य भूमि में आती है, और यह भारत की गतिविधियों का आधार है। मैप्स में आप स्थिति देख लीजिए, इससे और अच्छे क्लियर रहेगा आपका और आपको याद। देखिए आपका ये पृथ्वी है, हमारी प्यारी पृथ्वी आप लोग जिसकी बात करते हैं, तो इसमें एशिया में हमारा प्यारा देश है इंडिया, ये है। ठीक है, तो ये आपकी अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, जो दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है यहाँ से उठता है इस तरफ से, और यहाँ सबसे पहले पहुंचता है, उसके बाद इस तरह बढ़कर ये जम्मू कश्मीर तक जाता है। और जो बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं हैं ना, एक अरब सागर है दूसरी बंगाल की खाड़ी, ये भी वर्षा करती है। और सबसे ज्यादा जिसकी वर्षा की बात कर रहा था मैं, वो आपकी मेघालय में देखने को मिलती है। कहाँ? मेघालय में। यहाँ आप जानते हैं कि मेघालय में गारो खासो एक तीन चार पहाड़ियां हैं, इसी ठेर टकराने के कारण यहाँ अधिक वर्षा देखने को मिलती है आपकी। एक सीधा सा मतलब आप समझिए वर्षा का कारण, कि आप देखते हैं कि हवाएं किस तरफ चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, और जहां गर्मी पड़ती है वहां आपका निम्न वायु दाब देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि गर्मी पड़ेगी आपके यहाँ, और जितनी गर्मी पड़ती है आप नॉर्मल जानते हैं कि वर्षा उतनी ही ज्यादा होती है। और वर्षा जो पानी मतलब हवाएं जो पानी ला रही हैं आर्द्रता के रूप में, उनके रोकने के लिए, अगर आप सोचिए कि रोकने के लिए अगर कोई इस तरह से ना पहाड़ पर्वत ना हो, पेड़ ना हो, तो वो निकल जाएंगी हमारे पानी को लेकर, आगे बढ़ जाएंगी, इसलिए यहाँ पहाड़ी है ये रोक लेती है उसे, उससे वर्षा हो जाती है। ठीक है,
या आपके पड़ोसी हैं श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। सबसे ज्यादा आपकी सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से, ठीक है थोड़ी सी। कृषि एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की अगर हम बात करें मानसून की, तो मानसून क्षेत्रों में किसान फसल उगाने के लिए शुष्क गर्मी के महीनों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि गर्मियों में मानसून हमेशा समान मात्रा वर्ष में वर्षा नहीं लाता है, और बारिश में भिन्नताएं कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती हैं। एक बात आपने सोचा होगा कि आपके यहाँ की जो खेती है इसे जू वर्षा का जुआ कहते हैं। किस लिए कहते हैं? इसीलिए कि अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी। और आप सोचिए, अगर आपका कृत्रिम रूप से अगर साधन नहीं है किसाई से सिंचाई के, तो आप कहाँ से फसल उगा पाएंगे? ये समस्या को आप लोग बुंदेलखंड में देखते भी है, ठीक है। उदाहरण के लिए 2009 में भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान बहुत कम बारिश हुई थी। कुछ क्षेत्रों में बारिश गीले मौसम के दौरान सामान्य से आधी थी और किसान अपनी फसल नहीं लगा सकते थे। किसानों के हताश होने के कारण आमतौर पर उन्हें वाजिब दाम भी प्राप्त नहीं होता। गेहूं और चावल से लेकर सब्जियां, कपास और चाय तक भारतीय किसान फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करते हैं, और देश दुनिया के किसी भी देश में 215 मिलियन एकड़ की भूमि तुलना में फसलों के लिए अधिक भूमि का उपयोग करता है। भारत में फसलें बारिश पर निर्भर करती हैं। मानसून के मौसम के 4 महीने के महीनों के दौरान भारत में 3/4 से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन वर्षा के दौरान जब सामान्य से कम वर्षा होती है तो खेतों में फसल पूर्णता या फिर अंशतः बर्बाद हो जाती है। भारत की आधी से अधिक आबादी आपकी कृषि पर निर्भर रहती है, और मानसून की बारिश सीधे उनकी आय और आजीविका को प्रभावित करती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 15% का योगदान करती है, अतः यह फसल की बर्बादी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों के लिए आजीविका संकट उत्पन्न करती है। गर्मियों में मानसून के दौरान बहुत कम वर्षा होने पर भूमि पर किसानों के लिए विकट स्थिति पैदा हो सकती है। बहुत अधिक वर्षा और अत्यधिक तेज हवाएं तटीय जल को असुरक्षित बना सकती हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र भी प्रभावित होता है, मत्स्य क्षेत्र। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ना ही जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अगर देखते हैं फसल की अच्छी आपको जानकारी है, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अधिकतर वर्षा के कारण ही फसल होती है। हमारे यहाँ इस तरह से कृत्रिम वर्षा की, यानी कि मतलब सिंचाई की सुविधा नहीं है हर क्षेत्र में कि हम वर्षा बिना वर्षा के भी फसल उगा सके, ठीक है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो आप बुंदेलखंड क्षेत्र में देख सकते हैं। मानसून की बारिश को जल विद्युत एक मूल्यवान ऊर्जा संसाधन के रूप में दोहन किया जा सकता है। वर्तमान में जल विद्युत भारत की 25% बिजली प्रदान करता है, यानी कि जल से बनने वाली विद्युत की बात की जा रही है। गर्मी के मानसून की बारिश के दौरान जलाशयों को भर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे बांधों के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है, जिससे टर्बाइनों को बदलकर बिजली बनाई जाती है। वर्षाओं के दौरान जब मानसून की कम वर्षा होती है तो जलाशयों की भरपाई नहीं हो पाती है, जिससे वर्ष के दौरान उत्पादित पन बिजली की मात्रा भी सीमित हो जाती है। अतः कहीं ना कहीं मानसून की बारिश का प्रयोग अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचे जा सकती है। फिर आपका मानसून और स्वास्थ्य। मानसून की जलवायु वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से शुष्क मौसम होता है और वे बाढ़ और सूखे से ग्रस्त होते हैं, जो दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या खतरनाक होते हैं। गर्मियों के मानसून के दौरान भारी वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है। बाढ़ आम जन तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाती है या अत्यंत विनाशकारी होती है। पाकिस्तान और भारत में 2014 की गर्मियों में मानसून के दौरान भूस्खलन और घर गिरने के दौरान लगभग 300 लोगों की जान चली गई थी। ऑस्ट्रेलिया के 2011 के मानसून में बाढ़ के कारण लगभग 4.5 यानी कि 4.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। एक बात आप लोग हमेशा समझ लीजिए कि अधिक वर्षा हो तब भी हमें नुकसान है और कम वर्षा हो तब भी हमें नुकसान है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं गरीब असहाय लोग, जिनके पास कच्ची झोपड़ी है, साधन आय का कुछ खास साधन नहीं है, वही लोग ज्यादा प्रभावित रहते हैं।
और किसान भी आप देख सकते हैं कि अधिक वर्षा हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है और कम वर्षा हो तो फसल सूख जाती है। यानी कि एक मीडियम वर्षा चाहिए कि ना हमें नुकसान हो और ना ही ज्यादा, ऐसा ही हमें फायदा हो जाए। फायदा तो तभी होगा जब मीडियम वर्षा रहे, समझ रहे हैं। फिर भी गर्मी के मानसून के मौसम में मुख्य स्वास्थ्य खतरे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के साथ साथ पेट और आंखों में संक्रमण जैसे रोग हैं। हर साल मानसून का मौसम आते ही भारतीय अस्पताल इन बीमारियों के मरीजों से भर जाती है। इसे आप लोग भी देखते हैं कि अपने आसपास की जब भी बारिश का टाइम होता है बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगती है। एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की अनुपस्थिति है जहाँ मलेरिया जैसे रोगों का कारण बनती है। यहाँ कहने का मतलब यह सीधा कि वर्षा होगी, नाली नाले जो भी आपके आसपास हैं वो भरेंगे, उसकी अगर सुविधा नहीं है पानी निकलने की तो पानी जमा होगा, पानी जमा होगा तो मच्छर वहां पनपेंगे, वो मच्छर पनपेंगे तो आप समझ रहे हैं कि मलेरिया है। जरा इस तरह की बीमारियां का होना लाजमी है। गर्मियों में मानसून की बारिश के दौरान मच्छरों के प्रजनन के उपयुक्त समय होता है, इससे मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलती हैं। 2015 में भारत भर में बहने वाली एक प्रमुख गर्मी की लहर से कम 2500 2500 लोगों की मौत हो गई और पाकिस्तान में गर्मी की लहर से लगभग एक महीने बाद 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली में तापमान 120 डिग्री फॉरेनहाइट लगभग ये आपका 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वर्ष के समय पानी कम होता है जिसके कारण पानी से होने वाली बीमारियां आम हो जाती हैं। उचित स्वच्छता के लिए बहुत कम पानी होने पर ये रोग फैलते हैं, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। अतः मानसून भारतीय जनमानस हेतु एक वरदान, ऐसा वरदान है जो आनंदित होने पर श्राप बन जाती है। तो इसलिए नियंत्रित होना चाहिए, मतलब जो भी वर्षा हो रही है एक सीमित मात्रा में हो, ऐसा नहीं कि फसल का टाइम कटने का आ गया उस समय भी वर्षा हो जाए, समझ रहे हैं। एक मतलब हर चीज संतुलन बनाकर काम होना चाहिए। आप सोचिए कि आप खाना खाना है आपको, मतलब डाइट एक सीमित लेनी चाहिए, और अगर आप सोचिए कि ज्यादा ले लें जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा खा लें तो भी आपकी हालत खराब हो सकती है, और कम खाएं तब भी हालत खराब हो सकती है। तो एक सीमित डाइट, इसीलिए तो बोला जाता है कि सीमित डाइट खाइए। चलिए, तो ये आर्टिकल था आपका मानसून।